गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम DTS 35 JEE का हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा पेयर डिफरेंट है। तो ध्यान दें, लिथियम एंड मैग्नीशियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, बोरोन एंड सिलिकॉन भी करते हैं, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, लेकिन लिथियम और सोडियम नहीं करते। इसलिए इसका आंसर जो होगा बेटा कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम क्या है, आपको बताना है कार्बन इज नॉट यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ Al2O3। ठीक है ना, तो जनरली क्या होता है, जैसे Al2O3 प्लस साथ में कार्बन ले लेता हूँ, अगर बाय द वे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता तो ये क्या होता, Al प्लस साथ में क्या बन जाता, CO बन जाता। लेकिन इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से कार्बन जो है वो इजिली क्या नहीं कर पाएगा, Al2O3 को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। मतलब ये वाली रिएक्शन होगी, इसमें डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, इस वजह से रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो देखो, पहला ऑप्शन का कोई सेंस है नहीं, सेकेंड ऑप्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज मोर देन Al2O3, ये वाली बात भी गलत है। थर्ड वाला क्या कह रहे, प्योर कार्बन इज नॉट अकर इजिली, ये भी गलत बात है। और फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 इज मच हायर देन CO2, फोर्थ वाली बात सही। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम, थर्ड वाला। देखो थर्ड वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है अपने पास, कि एन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग अगर करते हो तो एनोड वर्ड के रूप में कौन प्रेजेंट होता है। तो सिल्वर से लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे वो एनोड वर्ड के अंदर आ जाएंगे। तो देखिए बेटा, सिल्वर से लेस रिएक्टिव मेटल, देखो ZN तो सिल्वर से मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए ये वाला नहीं हो सकता, इसमें भी ZNR ये वाला नहीं हो सकता। इसमें कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके मुकाबले में, सिल्वर के मुकाबले में, इसलिए ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता, तो आपका फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो सिल्वर के मुकाबले में लेस रिएक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसलिए फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलिए फोर्थ वाला प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए बड़ा, फोर्थ वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड H2O2 कैन नॉट बी सिंथेसाइज। आपको ये बताना है कि कौन से मेथड द्वारा H2O2 को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो देखिए, एडिशन ऑफ आइस कोर, देखो H2SO4 की अगर मैं BaO2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो BaO2 क्या है, परोक्साइड है, तो इसमें आपके पास क्या होगा, Ba+2 में होगा और आपके पास O2-2 के अंदर होगा, आपस में क्रिस क्रॉस कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस साथ में आपके पास क्या मिल जाएगा, H2O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में तो H2O2 बन जाएगा, सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि H2SO4 की PbO2 के साथ रिएक्शन कराते हो, तो ध्यान दीजिए अगर H2SO4 की PbO2 के साथ रिएक्शन करा, तो इन जनरल PbO2 जब भी आपके पास किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो PbO2 Pb+4 वाला +2 में आता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, PbSO4, तो +4 से +2 में आ रहा है तो रिड्यूज है, तो कोई ना कोई ऑक्सीडेज होगा, तो ऑक्सीडेज यहाँ पे O-2 ऑक्सीडेज होकर इसमें चला जाता है, O2 के अंदर जाता है, प्लस साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, तो इसके अंदर आपके पास क्या बन जाएगी, O2 गैस निकलेगी, तो यहाँ पे कोई परऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपको पूछा गया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड H2O2 कैन नॉट बी सिंथेसाइज, तो सेकेंड वाली रिएक्शन द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, थर्ड वाला क्या कह रहे, एरियल ऑक्सीडेशन टू इथाइल एंथ्राक्विनोल, इसके ऑक्सीडेशन से H2O2 मिलता ही है, और अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराता हूँ तभी भी आपके पास क्या मिलता है, H2O2 का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसका आंसर सेकेंड आ जाएगा बड़ा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट चलिए फिफ्थ वाला प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए फिफ्थ वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, गोल्ड डिजोल्व इन एक्वा रेजिया, गोल्ड जो है वो एक्वा रेजिया के अंदर डिजोल्व हो जाता है। एक्वा रेजिया बेसिकली क्या होता है, HCl+ साथ में HNO3 का मिक्सर होता है, दोनों सांद्र अमाउंट होता है, इसका HCl का 3 अमाउंट होता है और HNO3 का 1 अमाउंट होता है। तो जब गोल्ड की जब रिएक्शन कराते हो तो गोल्ड की किसके साथ, HCl+ साथ में HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो, तो इसमें आपके पास जो है गोल्ड ऑक्सीडेज होकर Au+3 में जाता है और Au+3 का क्लोराइड के साथ आयन जो है वो ये वाला बनता है। तो यहाँ पे Au+3 के अंदर है और Cl-4, Au+3 Cl-4 आ जाएगा, तो टोटल चार्ज -1 को बैलेंस करने के लिए आपके पास ये वाला बन जाएगा। ये वाला बेसिकली क्या है, क्लोरोऑरिक एसिड, क्या है, क्लोरोऑरिक एसिड, तो आपके पास आंसर जो आएगा थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलिए सिक्स वाला प्रॉब्लम,
देखो बेटा सिक्स वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आपको क्या बताना है, विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में बताना है। तो बताने की जरूरत है ही नहीं, विल्किंसन कैटलिस्ट बेसिकली रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें PPS3P का ऑथराइज RHCl होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल बात है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए अगला प्रॉब्लम, सेवन वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एम्पोटेरिक, सेवन वाला, एम्पोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम इज एम्प्लॉयड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो जब भी आप एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हो भाई, तो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हो तो आपने पढ़े होंगे, जब ब्लीचिंग का प्रोसेस पढ़ते हो उसमें बियर्स प्रोसेस पढ़ा होगा, हॉल्स प्रोसेस पढ़ा होगा, सरपैक प्रोसेस पढ़ा होगा, डाउज प्रोसेस के लिए यूज नहीं होता, तो फोर्थ वाला वैसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। बियर प्रोसेस एंड हॉल प्रोसेस के अंदर ध्यान दें, Al2O3 प्लस हम क्या लेते हैं, एक में तो NaOH लेते हैं सॉल्वेंट ग्रुप में, एक में Na2CO3 लेते हैं, तो बेस की Al2O3 के साथ रिएक्शन करवानी होती है। तो नॉर्मली जब रिएक्शन कराओगी तो Al2O3 वैसे तो क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर शो करता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करता है, लेकिन कुछ एक मेटल ऑक्साइड जो है इंपोर्टेंट नेचर शो करता है। यहाँ से ये पता चलता है NaOH Na2CO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये पता चलता है कि ये वाला जो है Al2O3 एम्पोटेरिक नेचर शो करता है। तो यहाँ पे आपके पास बियर प्रोसेस एंड सरपेक्स ऑल्स प्रोसेस आ जाएगा, सरपेक्स इसके अंदर नहीं आएगी क्योंकि सरपेक्स प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, कार्बन प्लस साथ में नाइट्रोजन लेते हैं, तो उसमें एम्पोटेरिक नेचर शो करने की प्रवृत्ति का पता नहीं चलता, तो इसमें ए एंड बी आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलिए एट्थ वाला प्रॉब्लम देखिए भाई, एट्थ वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड ट्रीटेड विद सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। तो बोरिक एसिड लेता हूँ, H3BO3 लेता हूँ, ठीक है ना। इस H3BO3 को मैं क्या करता हूँ, सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो ये वाला आपके पास क्या है, सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है ना। इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो बोरॉन है, तो यहाँ पे आपके पास बोरॉन चार बॉन्ड बनाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला C OH, और यहाँ पे आपके पास क्या है कि बेंजीन रिंग आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है O-, मतलब ये वाला H+ भी चला जाएगा और ये वाला H+ भी चल जाएगा। सेम दूसरे केस में भी ऐसे होगा, यहाँ पे O आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, बेंजीन रिंग आ जाएगी और यहाँ पे C OH इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे टोटल ऑल ओवर ये माइनस है, तो ये वाला क्या होगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बताना है नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म बोथ आर एसिड, गलत बात है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास ये वाला बन रहा है, ठीक है ना। सेम केस फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली रिजॉल्वेबल का मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होगा, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना ही आपके पास क्या होनी चाहिए, वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो पहले देखो बोरॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4 तो बोरॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बात सही है। ऑप्टिकली रिजॉल्वेबल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, तो देखो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, यहाँ पे देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो आ रहा है sp3r, ठीक है ना, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, एक बॉन्ड इधर, ये बाहर की तरफ होगा, ये वाला अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए एंड बी है और यहाँ पे सी एंड डी है, या फिर यहाँ पे ए एंड बी ही ले लीजिए, अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल टू बी आ रहा है, तो आप ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी तो इसका मतलब ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका पास क्या हो जाएगा, सही वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए नाइन्थ वाला प्रॉब्लम ध्यान दीजिए, नाइन्थ वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ध्यान रखे SP ऑफ CBI का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है ना, मतलब सल्फर फॉस्फोरस क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, बेस मतलब OH- द्वारा क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेट में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो जैसे कि सल्फर की अगर मैं OH- के साथ रिएक्शन करूँ, सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा है तो रिड्यूस होता है, तो वो किस में आ जाता है, -2 में आता है, और जितना -2 में उतना ही प्लस में जाता है, प्लस का मतलब +2 में जाएगा, और +2 का कंपाउंड जो होता है H2O3- होता है, क्योंकि 3 × 2 = 6 - 2 कितना होगा, 4 / 2 कितना होगा, +2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट +2 आएगी, जबकि यहाँ पे कितना आएगी, -2। तो सल्फर जब भी क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, बेस की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, और डिस्प्रोपोर्शनेट होकर किस में जाता है, -2 में जाता है, और साथ ही साथ आपके पास H2O3- आता है, ठीक है ना। तो H2O3 और बेसिक मीडियम H2S नहीं बनेगा, क्योंकि अगर बेसिक मीडियम लोगे तो अगर आप बाय द वे H2S बना दोगे तो OH- क्या करेगा, वापस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर देने का मतलब की बात क्या है, कि यहाँ पे ये बनने की गुंजाइश बहुत कम थी, यहाँ पे S-2 एंड H2O3- का फॉर्मेशन, मतलब बी एंड सी बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, 4th के अंदर आ रहा है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलिए 10th प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, कि देखो Na2 Na2Cr2O7 है, ठीक है ना,
जब मैं किसके साथ H2O2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ एसिडिक मीडियम के अंदर, इस केस में आपके पास क्या बन जाता है, CrO5 का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें आपके पास इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो 11th वाला प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है बेटा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फेरोसिन एंड क्रोमोसिन, क्रोमोसिन एंड फेरोसिन के अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। फेरोसिन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर होता है अपने पास, ठीक है ना, इस तरीके से 5 मेंबरिंग होती है और यहाँ पे Fe प्लस 2 में प्रेजेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स देते, ठीक है ना। क्रोमोसिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी, इस जगह पे बेंजीन रिंग होगी, क्रोमियम 0 ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, बोथ आर एरोमेटिक कैरेक्टर। देखो ये पेंटाडाइन है, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहे, 2, 2, 4, 2, 6 आ रहे, 6 का मतलब यानी कि ये वाला एरोमेटिक और ये भी आपके पास क्या है, एरोमेटिक है, ये बेंजीन रिंग है, तो बोथ आर एरोमेटिक, ये वाली बात सही है। सेकंड कह रहे हैं बोथ सो सिडिक ईएन रूट। देखो अगर आप इसमें ईएन की वैल्यू निकालोगे ना तो ईएन की वैल्यू इसमें 36 के बराबर आएगी, तो सेम यहाँ पे भी ईएन की वैल्यू कितनी आएगी, 36 के बराबर। तो ईएन की वैल्यू 36 आने का मतलब क्या हुआ कि ये सिडवे की ईएन रूल की फॉलो कर रहा है, तो सेकंड वाली बात भी सही। बोथ हैव सिनर्जी बॉन्डिंग, इसमें सिनर्जी बॉन्डिंग होती है आपको मालूम ही, और बोथ हैव 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन गलत बात, ठीक है ना, क्योंकि एक बेंजीन इस एक रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे कितने होंगे, 12 के बराबर। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 12 होंगे, यहाँ पे 8 कह रहा है, तो ये वाला फोर्थ स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गया, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट का मतलब क्या होगा, आंसर आपका फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, देखो अगला आपके पास प्रॉब्लम दे रखा है, पैराग्राफ की फॉर्म में दे रखा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पैराग्राफ फर्स्ट, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना। तो देखो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा और साथ में मेटल क्लोराइड बना देगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, ए वाला जो होगा मेटल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है। अच्छा दो अपने पास ऑप्शन में कह रहा है कंपाउंड ए के बारे में बताना, तो कंपाउंड ए के बारे में ध्यान रखिए सल्फेट हो नहीं सकता और यहाँ पे भी सल्फेट हो नहीं सकता, तो थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन वैसे ही हट गया क्योंकि मेटल प्लस एसिड HCl है, तो जैसे बात हाइड्रोजन गैस देगा तो आपके पास ये वाला बन जाए। अब आपके पास क्या कह रहा है कि HPO4-2 के साथ रिएक्शन करा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे C+2, देखो HPO4-2 के साथ वाइट पीपीटी की बात करा है, तो HPO4-2 जो है वो वाइट पीपीटी हरे के साथ नहीं बनाता, जनरली किसके साथ बनाएगा, PB+2 के साथ बनाएगा, ठीक है ना, ZN+2 के साथ बनाएगा, Al+3 के साथ बनाएगा, ठीक है ना, Hg2+2 के साथ बनाएगा, ठीक है ना, और आपके पास Ca+2 के साथ बनाएगा एंड Ba+2 के साथ बनाएगा, ठीक है ना, Mg+2 के साथ, Mg+2 के साथ एंड Ba+2 के साथ, Ca+2 के साथ ये जो है वाइट पीपीटी नहीं देता, तो मतलब ये वाले 6 कैटाइन जो है वो बेसिकली HPO4-2 के साथ क्या बनाते हैं, वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। और अगर बात करें मैं Ag+ एंड Fe+3 जो है वो बेसिकली आपके पास येलो पीपीटी देता है और Mn+2 जो है वो आपके पास आपकी पिंक पीपीटी देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब इन दोनों में अगर देखें यहाँ पे कैटाइन की फॉर्म में या तो Ca+2 है या फिर आपके पास क्या Mg+2 है, और Ca+2 इसके साथ टेस्ट नहीं देता, तो यहाँ पे तय क्या हो गया, आपके पास Mg+2 का होना जरूरी है, इसका मतलब Mg+2 का होना जरूरी, इसका मतलब क्या आपके पास आंसर जो होगा वो कौन सा आएगा, सेकंड वाला आ जाएगा। देखो ध्यान दे, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, तो Ca+2 एंड Mg+2 को डिस्टिंग्विश करना है, तो Ca+2 और Mg+2 को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का यूज कर सकते हैं, इसका यूज Mg+2 एंड Ca+2 को डिस्टिंग्विश करने में किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास इसका सेकंड आ जाएगा। अब देखो MgCl2 के साथ कंपाउंड सी के बारे में पूछा है, तो इसको अगर हीटेट करोगे आप, तो जाहिर सी बात हीटअप करोगे तो यहाँ पे आपके पास Mg+2 में ऑक्साइड बन जाएगा, भाई ध्यान रखें ऑक्साइड, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तब उस केस में ऑक्साइड बनने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्लोराइड बनने की पॉसिबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे MgO बन जाएगा, और अब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या बन जाएगा, Mg बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ऑक्साइड नहीं दे रखा सी के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे साथ में ड्राई HCl दे रखा है, तो जब भी ड्राई HCl गैस दे रखी है उस कंडीशन में हमेशा क्लोराइड ही बनता है, अगर ड्राई HCl गैस नहीं देते तब आपके पास ऑक्साइड बनता, तो यहाँ पे ड्राई HCl गैस दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोराइड बनेगा, किसका, इसका बन जाएगा, तो यहाँ पे MgCl2 बन जाएगा, और फर्दर अगर आप रिडक्शन कराओगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में तो यहाँ पे Mg ऑब्टेंड हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं, पैराग्राफ सेकंड की बात करें, ठीक है ना। तो देखिए पैराग्राफ सेकंड सिंपल है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या कह रहा है,
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ लिगेंड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टेडल स्क्वायर प्लेन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम व्हिच स्टेबिलिटी एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन। तो मतलब यानी कि सीएफटी द्वारा हम ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कलर के बारे में बताया कि ऐसे एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम देखते क्या कह रहा है, 14 प्रॉब्लम इंक्रीजिंग सीएफएस की वैल्यू बताने। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ा होगा, कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर हो तो वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आते हैं, ठीक है ना। जबकि हैलोजन डोनर और ऑक्सीजन डोनर जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आते हैं। इसमें हैलोजन डोनर को ज्यादा बता रखा है तो सेकंड वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और इसमें भी हैलोजन डोनर को ज्यादा बता रहा है ये भी गलत हो गया। तो अपना एक ही ऑप्शन बचता है, फर्स्ट वाला सीएन माइनस, उसके बाद ईएन, उसके बाद ओएच माइनस, के बाद में आपके पास क्या आएगा, आई माइनस आएगा, तो आपके पास फर्स्ट आंसर आएगा। आगे देखिए 15 वाला प्रॉब्लम, विच इज इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो पहला क्या कह रहा है, फोर कॉम्प्लेक्स एफ माइनस इज वीक फील्ड लिगेंड, सही बात है, एफ माइनस वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा इसलिए आपके पास पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो डेल्टा नोट से आपके पास क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही, सेकंड देखिए फोर दी कॉम्प्लेक्स ये वाला दे रखा है एनएससी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सही बात है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, सीएफएस की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि वीक फील्ड लिगेंड में आपके पास कम होती है, तो ये सेकंड वाली बात भी सही, सेकंड वाली बात भी सही होगी, ठीक है ना। थर्ड वाला देखो डेल्टा टी, देखो बड़ा ध्यान दे, डेल्टा टी की वैल्यू जो होती है ना 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 ऑफ डेल्टा नॉट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा टी आएगा आपके पास एक तरह से कितना आएगा, 4/9 डेल्टा नॉट के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा टी की वैल्यू जो होती है वो 4/9 डेल्टा नॉट के बराबर होती है, ये इतना बता रहा है, इसमें डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा बता रहे डेल्टा नॉट से, ये वाली बात गलत है भाई। टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड कम होंगे, जबकि आपके पास ऑक्टेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा होंगे तो सीएफएस की वैल्यू स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी इसका मतलब सीएफएस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। इसमें उल्टा बता रहा है, तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और आपको पूछा गया क्या है, इनकरेक्ट ही पूछा गया, इसलिए आपका आंसर कौन सा थर्ड वाला है। फिर भी फोर्थ देखिए, ग्रेटर द आयनिक चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, सही बात है, जाहिर सी बात है, चार्ज जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, सीएफएस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही होगा, सही आंसर जो होगा थर्ड आएगा, मतलब इनकरेक्ट पूछा है थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, अगला प्रॉब्लम मल्टीपल टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मल्टीपल में देखिए किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ध्यान दिए। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट, ठीक है ना। देखो कॉपर के एक्सट्रैक्शन के अंदर बेसमर कन्वर्ट का यूज करते, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा। आयरन के एक्सट्रैक्शन के अंदर भी आपके पास क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते, सही बात है। और क्रोमियम और एमएन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्युमिनो थर्माइट प्रोसेस यूज करते, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही। फोर्थ वाला आपके पास गलत हो गया, ठीक है ना। फोर्थ वाला में एसएन के लिए हम जनरली क्या करते हैं, कार्बन रिडक्शन मेथड का यूज करते हैं, SnO2 जो है SnO2 का रिडक्शन कार्बन मेथड द्वारा किया जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एसएन के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज नहीं करते, फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड प्रॉब्लम देखिए बेटा, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन बेसमर कन्वर्टर, ठीक है ना। तो कॉपर के एक्सट्रैक्शन में बेसमर कन्वर्टर के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, देखो CU2O सेल्फ रिडक्शन का प्रोसेस बेसमर कन्वर्टर के अंदर होता है, CuFeS2O2 ये तो रोस्टिंग का प्रोसेस है, ध्यान रखें ये वाला पहले ही अकर हो चुका होता है, ये वाला बेसमर कन्वर्टर के अंदर नहीं करता, ठीक है ना। CU2SO2 तो बचा हुआ जो कॉपर माटे के अंदर CU2S होता है O2 के साथ रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाता है, और FeS+O2 ऑक्सीडाइज होकर FeO में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बाद में FeO जो है वो SiO2 के साथ रिएक्शन करके स्लैग का फॉर्मेशन कर लेता है। इसका मतलब बेसमर कन्वर्टर के अंदर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन अकर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या कह रहा है, आपको बताना है क्या है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, ध्यान दीजिए। मैग्नीशियम इज लाइटर देन कैल्शियम, एक तरह से डेंसिटी की बात कर रहा है, तो डेंसिटी बेरिलियम की ज्यादा होती है मैग्नीशियम, उसके बाद में क्या आएगी, कैल्शियम, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम तो भारी होता है किसके मुकाबले में, कैल्शियम के मुकाबले, या उल्टा दे रखा है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, एटॉमिक रेडियस ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ेगी, तो साइज बढ़ेगी तो कैल्शियम की ज्यादा होगी, इसमें उल्टा कह रहा है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। MgAlloy आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, सही बात है, मैग्नीशियम का यूज जो है ये जो एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, बात सही, ठीक है ना। फिर बाद में मैग्नीशियम ही यूज है रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है, तो सही बात। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है, सही स्टेटमेंट नहीं पूछा गया,
ये दोनों स्टेटमेंट सही, गलत पूछा है, तो गलत कौन से होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, तो आंसर फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए, फोर्थ वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, फोर्थ वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम और उनके कंपाउंड्स के बारे में बताना, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, टॉप टू बॉटम जाने पे यहाँ पे सेकंड एक अंदर सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड की क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा। सेकंड देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, टॉप टू बॉटम जाओगे तो कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक जनरली लार्जर कैटायन के साथ ज्यादा स्टेबल होता है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सही स्टेटमेंट है। ऑल द एलिमेंट्स रिएक्ट विद वाटर टू स्टीम, वाटर और स्टीम टू गिव हाइड्रोजन, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर पड़े हैं तो वो रिएक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से एबव आता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से एबव आएंगे इसका मतलब हाइड्रोजन गैस दे देंगे, ठीक है ना, वाटर के साथ, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। ऑल मेटल क्लोराइड एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, गलत बात, मेटल क्लोराइड यहाँ पे लिक्विड सभी नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत होगा, तो आपका आंसर जो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आ जाए, ठीक है। चलो पांचवा प्रॉब्लम देखिए, देखो बेटा पांचवा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, BeCO3 is kept in the atmosphere of CO2, it is least thermally, तो BeCO3 जो है वो वेरी अनस्टेबल होता है, और वाटर के अंदर तो ये कंप्लीटली वाटर के साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो BeCO3 वेरी अनस्टेबल होने की वजह से इसको किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, CO2 के अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, बी डिजॉल्व इन अल्कली सॉल्यूशन, देखो बी की अगर OH- के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल अगर बात करें तो BeO2- का और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस दे देता है, लेकिन यहाँ पे या तो ये वाला कंपाउंड बनेगा फ्यूजन स्टेट के अंदर, और अगर सॉल्यूशन स्टेट के अंदर बात करें तो Be+2 का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और Be+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, तो Be+2 OH- पर टोटल चार्ज कितना आएगा, -2 का, तो मतलब ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड वाला क्या करें, BF2 फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन विथ NaF, ध्यान दीजिए अगर मैं NaF के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ और BF2 के साथ रिएक्शन करूँ, BF2 यहाँ पे लुईस एसिड है, लुईस एसिड होगा तो ये F- के इलेक्ट्रॉन को लेगा, और F- के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 आएगा तो इसके ऊपर टोटल चार्ज माइनस का जाएगा, -2 का चार्ज आएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, Na+, ठीक है ना, Na+ क्रिस क्रॉस करोगे तो कंपाउंड ये वाला बन जाएगा, Na2BeF4 का कंपाउंड बन जाएगा। पूछा गया क्या है कि यहाँ पे बी गोज विथ कैटायन, क्या बी कैटायन के साथ जाता है क्या, नहीं, बी जाता है NaN के साथ, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही, थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी किसके साथ जाता है, NaN के साथ जाता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें आंसर फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ वाला आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलिए सिक्स वाला प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए सिक्स वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेल एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसमें इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। HNO2 में N की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही, +3, तो +3 से +5 में भी आ सकता है और नीचे 0 वगैरह उसमें भी आ सकता है, तो ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, H2O2- आ रही, तो ये -2 में भी जा सकता है और 0 में भी जा सकता है, इसका मतलब ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। सल्फर यहाँ पे -2 में, लोवेस्ट -2 में, तो इससे लोअर नहीं हो सकता, हायर में जरूर जा सकता है, लोअर नहीं हो सकता, तो ये वाला जो है रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव नहीं कर सकता, जबकि SO2 +4 है तो +6 में भी जा सकता है, +2 या फिर 0 में भी आ सकता है, इसका मतलब ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट तीनों की तरह बिहेव, दोनों की तरह बिहेव करेगा, इसमें आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वाला आंसर आ जाए, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलिए सेवंथ वाला प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए बड़ा सेवंथ वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, आपको क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना, ठीक है ना। तो देखो आपको यहाँ पे कोबाल्ट +3, ठीक है ना, सभी में कोबाल्ट +3 दे रखा है, और डायमैग्नेटिक है, चेक करना है D2IO, तो तीनों ही आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसके अंदर अमोनिया है NO2 और साथ ही साथ आपके पास क्या है CN- है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग कराएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास D2SP3 हाइब्रिड स्टेट आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे D2 हाइब्रिड स्टेट, अब डायमैग्नेटिक है ही नहीं, चेक करना है, तो कोबाल्ट +3, ठीक है ना, कोबाल्ट का 27 में से 3 गए, 24 माइनस कितना हुआ, 18 करो, 24 माइनस 18 जो है वो 6 बचा, अब यहाँ पे पेयरिंग पहले से करानी है आपको, तो 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, ठीक है ना, तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं तो इसका मतलब ये वाला डायमैग्नेट होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। चेक करिए ZN
की बात करूं, Fe प्लस थ्री की बात करूं, NaCO4। देखो ध्यान रखे, NaCO4 की अगर बात करूं ना, NaCO4 ठीक है ना, तो NaCO4 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो आती है चेक कर लेंगे हम, ठीक है ना। पहले तो ये चेक करना है डायमैग्नेटिक है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है बतानी है आपको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है कि नहीं है ये आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे अगर मैं इसका केस लेता हूं, NaCO4 का केस लेता हूं, ठीक है ना, NaCO4 का केस लेता हूं, ठीक है ना। तो Na में D8H2 हो जाएगा, ठीक है ना, और D8 क्या आएगा H2, और CO है तो अंदर चला जाएगा, तो D10S0 आ जाएगा, और D10S0 तो आगे आपके पास S का ऑर्बिटल भरा जाए, उसके बाद में P का, तो यहाँ पे चार लिगेंड है, तो 1 2 3 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आएगी, और डायमैग्नेटिक होगा, तो ये वाला के लिए तो सही है, डायमैग्नेटिक भी होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी आएगी, ठीक है ना। बात करते हैं सेकेंड की, FeCl4 माइनस 1, ठीक है ना, यहाँ पे Fe की ऑक्सीजन कितनी आ रही, प्लस 3 आ रही, ठीक है ना, Fe की ऑक्सीजन कितनी आ रही, प्लस 3, तो मतलब यानी कि एक तरह से वैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या था Fe का, D6H2 था, ठीक है ना, Fe प्लस 3 में आपके पास क्या बचेगा, D5S0 बच जाएगा Fe प्लस 3, ठीक है ना, और D5 होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। अब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो sp3 आएगी, लेकिन डायमैग्नेटिक नहीं होगा भाई, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, तो ये वाला नहीं है। अगर एक के लिए अगर इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट ही रहेगा, तो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बाद में बात करते हैं इनकी, ठीक है ना, तो Fe प्लस 3 H2, H2 क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है, Fe प्लस 3 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 5, 5 आने का मतलब क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन कितना आएगा आपके पास, म्यू की वैल्यू 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन, और इसके अंदर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी पेयरिंग सी एन माइनस के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा दो, तो पेयरिंग कराओगे तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, और अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो म्यू की वैल्यू रूट अन रूट 1 × 1+2 √3 की वैल्यू जो होती है अपने पास 1.73 होती है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। आगे चेक करिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ के एम एन एफ सिक्स, इसमें ऑक्सीजन स्टेट जो आ रही है कितनी आ रही है, एम एन प्लस टू आ रही, ठीक है ना, तो एम एन प्लस टू है यहाँ पे, एम एन प्लस टू, इसमें भी आपके पास क्या है, एफ ई प्लस थ्री आ रहा है, एक तो एफ ई प्लस थ्री आ रहा है, एक एम एन प्लस टू, और इसमें दोनों में वीक फील्ड लिगेंड है, तो आप इसमें चेक करो इसका कॉन्फिगरेशन D5, और इसका भी आपके पास कॉन्फिगरेशन क्या है, D5, दोनों का कॉन्फिगरेशन D5 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 5 आ रहे हैं, तो 5 आने का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दोनों के लिए क्या आएगी, सेम आएगी, फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा। आपको पूछा गया क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो एट वाला प्रॉब्लम देखिए भाई, एट वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, अगर मैं KO2 को वाटर के साथ रिएक्शन करूँ, कराइए ये सुपर ऑक्साइड है, KO2 को वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो यहाँ से क्या बनता है, KOH KOH प्लस 7। देखो वैसे नॉर्मली आयन एक्सचेंज करोगे ना भाई, आयन एक्सचेंज करोगे तो O2 माइनस 1 है, इधर H प्लस इधर OH माइनस, ठीक है, तो प्लस वाला माइनस जाएगा, तो KOH तो बनेगी बनेगा, लेकिन इससे आप बनाओगे तो यहाँ पे HO2 बनेगा, HO2, HO2 में यह माइनस हाफ ऑक्सीजन स्टेट होती, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल होता, अनस्टेबल होने की वजह से आधा नीचे जाएगा आधा ऊपर जाएगा, आधा नीचे कितना आएगा माइनस 1 के अंदर आएगा, और आधा ऊपर कितना आएगा जीरो में आएगा, तो माइनस 1 का कंपाउंड क्या होगा, O का H2O2, और जीरो में आपके पास क्या मिलेगा O2। तो ध्यान दे, सुपर ऑक्साइड को जनली वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करोगे तो बेस प्लस 7 में आपके पास H2O2 प्लस 7 में O2 का फॉर्मेशन हो जाता है। पूछा गया क्या है कि कौन से प्रोडक्ट बनेगी, KOH बनेगा, H2O2 बनेगा और O2 बनेगा, K2O2 नहीं बनेगा भाई, ठीक है ना, जिसका आंसर आएगा फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ प्रॉब्लम ध्यान दीजिए, नाइन्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि आपको बताना है इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है ना, इनकरेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो पहला देखिए, देखो टॉप टू बॉटम जाने पे अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम होता है, तो वेट ऊपर भी बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होता है आपको पता ही, ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला देखो, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर की बात करें कि एफ ई एम एन एंड सी आर की अगर बात करूँ, ठीक है ना, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये वाला आपके पास क्या होगा, गलत है, ठीक है ना, क्योंकि एम एन का जो है एफ ई के मुकाबले में आपके पास क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर की बात सही, एच टू का एच एफ से ज्यादा होता है, ठीक है ना, और डेंसिटी की अगर बात करूँ, डेंसिटी का ऑर्डर मैंने आपको बताया था, बेरिलियम का ज्यादा होता है मैग्नीशियम से, और उसके बाद में क्या आएगा, कैल्शियम, तो इसका आंसर जो आएगा बड़ा कौन सा आएगा, थर्ड एंड फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए, टेंथ प्रॉब्लम देखिए, ध्यान दीजिए, टेंथ प्रॉब्लम इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना फ्यूज क्रियोलाइट एंड फ्लोरस्पार, क्रियोलाइट एंड फ्लोरस्पार इसलिए मिलाया जाता है बेसिकली,
जल्दी एक तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम आते हैं ये वाले, ठीक है ना, और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने में काम आता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर ऑफ मिक्सर काम करने में काम आता है, तो इसका आंसर सेकेंड एंड थर्ड वाला आ जाएगा, तो ये फिक्स चीजें, ठीक है। चलो अगला प्रॉब्लम देखते अपन, इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम बेटा, ठीक है ना, आपको बताना है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कौन किसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज किया जाता है, किस कंपाउंड के एक्सट्रैक्शन के लिए, किस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड का यूज किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो जल्दी एस ब्लॉक एलिमेंट और एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मेथड यूज किया जाता है, वापस बता दो, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड एल्यूमिनियम के लिए, तो NaCl के लिए यूज करते हैं, इसके लिए यूज नहीं करते, इसके लिए एल्यूमिनियम थर्माइट रिडक्शन प्रोसेस, एस ब्लॉक एलिमेंट इसके लिए यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए करते हैं, CaCl2 के लिए करते हैं, Fe2CO3 के लिए नहीं करते, तो इसमें एक दो और तीन और चार आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, यहां पे क्या कह रहा है कि जॉन रिफाइन, तो जॉन रिफाइन के लिए ट्रिक आपको पता है, जोर से गीत गा, ठीक है ना, जोर से गीत गा, ठीक है ना, तो जोर जोर मतलब जॉन रिफाइन, ठीक है ना, जोर से गीत गा, ठीक है ना, तो ये बेसिकली सेमीकंडक्टर के लिए यूज होता है, किसके लिए होता है, सेमी गीत जीई गा मतलब GA, ठीक है ना, और SI, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर इसमें क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा, एक तो गैलियम आ जाएगा और जर्मेनियम आ जाएगा, और साथ में आपके पास क्या आएगा, सिलिकॉन आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड वाला आएगा, ठीक है ना, तीन आंसर आ जाएंगे भाई, ठीक है। चलो जोर से गीत का, नेक्स्ट चलिए, Mn से कम मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो Mn से कम आपके पास 3D सीरीज के अंदर कॉपर एंड Zn का होता है, Mn से कम, ठीक है ना, 3D सीरीज के अंदर कॉपर एंड Zn का मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, जिसका आंसर बेटा सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए, अगला क्या कह रहा है अपने पास, ध्यान दीजिए, M+3 से लेकर M+2, तो NCERT में सीधा सीधा दे रखा है, इनका मान क्या होता है, ऋणात्मक आता है, उसके बाद में आपके पास क्या आता है, धनात्मक आता है, तो इसमें आपके पास क्या आएगा, तीन आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए, अगला पांचवा प्रॉब्लम क्या कह रहा है भाई, पांचवा प्रॉब्लम ये कह रहा है कि स्पिन ऑन म्यू की वैल्यू अपने पास 3.88 बोर मैग्नेट्रॉन दे रखी है, जिसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तीन आएंगे, ठीक है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन चाहिए, ठीक है ना, तो Mn वैसे क्या होता है बताइए, d5s2 होता है, ठीक है ना, और अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन चाहिए, तो मतलब दो तो यहां से हटाने पड़ेंगे और दो यहां से हटाने पड़ेंगे, तो दो यहां से हटाने पड़ेंगे, दो यहां से हटाने पड़ेंगे, तभी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन d3s0 बच पाएगा, ठीक है ना, तो दो यहां से हट गए और दो इसके अंदर, पांच में दो गए तीन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गए, चार, चार का मतलब क्या, Mn+4, ठीक है ना, तो मतलब यहां पे Mn+4 है और F- के साथ क्रिस क्रॉस करोगे तो MnF4 बन जाएगा। आपको पूछा गया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, x की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू इसमें 4 आएगी बराबर। नेक्स्ट चलिए, देखो टेम्परेचर कंडीशन के साथ आपको ध्यान रखना है, 373 केल्विन का मतलब क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप इसको हीटअप करोगे तो Na2CO3.H2 और 9H2 के मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाते हैं, ठीक है ना। आपको पूछा गया क्या है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी यहाँ पे देखो, ठीक है ना, तो आपको पूछा tan माइनस x कितना होगा, tan-1 दैट विल इक्वल टू 9 के बराबर आएगा, ठीक है, तो इसमें 9 आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 9, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलिए, अगला आपको क्या पूछा गया भाई, आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बताने, ठीक है ना, तो पहले इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं, पॉसिबिलिटी देखी, AA BB and CD आ गए, पहली पॉसिबिलिटी थी ये वाली आ गई, ठीक है ना, दूसरी पॉसिबिलिटी AB, और यहाँ पे क्या आएगा, AB, इन दोनों का एक्सचेंज किया तो यहाँ पे क्या आएगा, CD आ जाएगा, ठीक है ना, फिर इन दोनों का एक्सचेंज करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, AC, ठीक है ना, एंड BB, और यहाँ पे क्या आएगा, AD आ जाएगा, ठीक है ना, फिर इन दोनों को भी तो एक्सचेंज करा तो यहाँ पे क्या बचा, A, और यहाँ पे आपके पास ये हुआ अपने पास AA, और यहाँ पे BC, एंड यहाँ पे क्या आएगा, CD आ जाएगा, ठीक है ना, ये सॉरी BD आ जाएगा, एक तरह से BD आ जाएगा, ठीक है ना, BD, ठीक है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे कि हमने पेयर में लिया AA BB और यहाँ पे CC, ठीक है ना, CD ले लिया, इन दोनों को एक साथ लूँ, इन दोनों को एक साथ लूँ, इन दोनों को एक साथ लूँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पेयर देखो, यहाँ से AB बन गया, और यहाँ से क्या बन गया, BC, और यहाँ से क्या बन गया, AD बन गया, ठीक है ना, AD, ठीक है ना। अब देखो एक बार और एक्सचेंज करो, AB को यथावत रखो, ठीक है ना, इन दोनों को एक्सचेंज करो तो B के साथ C आ गया, B के साथ क्या आ गया, C, ठीक है ना, तो मैं
ए को इधर लेके आऊं तो ए को नहीं, डी को इधर तो ए बी डी, और यहां से क्या आएगा आपके पास सी डी आ जाएगा, ठीक है ना, सी डी सी 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 ए डी आ जाएगा, सॉरी ए डी, ठीक है ना, इधर आ गया ए डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली आपके पास पॉसिबिलिटी है। अब देखो इसमें आपके पास क्या आ रहा है बताइए, ए आ रहा है तो सेम आ रही थी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये इन दोनों में ये दोनों पेयर सेम आ रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना, इसमें बी बी सेम आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसमें ए सेम आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना, जबकि इसमें सभी पेयर डिफरेंट है तो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये भी क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी मिरर इमेज को भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसके दो हो जाएंगे और इसके भी आपके पास कितने आएंगे दो, तो आपको पूछा है ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने आएंगे आपके पास चार आ जाएंगे, ठीक है बेटा, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव जो आएंगे वो कितने आएंगे आपके पास चार के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। चलो ये प्रॉब्लम बेटा क्या कह रहा है, आपको बताना है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका होगा, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे सी आर प्लस टू में, ठीक है ना, तो मतलब वैसे सी आर कितना होता है डी फाइव एस वन होता है, और प्लस टू का मतलब एक तरह से डी फोर हो गया, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी नहीं, तो चारों के चारों पेयर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसका मतलब ए वाला जो होगा आपके पास क्या होगा, एक तरह से ऐसा कह सकते हो कि पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। अब देखो कोबाल्ट प्लस थ्री, तो कोबाल्ट प्लस थ्री के अंदर कोबाल्ट का 27 होता है, कोबाल्ट डी सेवन एस टू, कोबाल्ट प्लस थ्री का मतलब कितना हुआ एक तरह से डी सिक्स हो गया, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसके अंदर पेयरिंग हो जाएगी तो छयों की पेयरिंग हो जाएगी तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो इसका मतलब ये वाला पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। बात करते हैं एफई की, ठीक है ना, यहाँ पे एफई किस में पड़ा है, एफई प्लस थ्री में, और अगर एफई प्लस थ्री के अंदर है तो इसका कॉन्फिगरेशन वैसे एफई का होता है डी सिक्स एस टू, तो एफई प्लस थ्री का कितना होगा डी फाइव, और ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है पेयरिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब पांचों के पांचों अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसका मतलब ये वाला क्या होगा आपके पास पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। इसके बाद में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अगर डी फाइव अगर हो जाता है, ठीक है ना, तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये भी आपके पास क्या होगा पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। बात करते हैं एनआई प्लस टू की, ध्यान रखना एनआई का जो होता है वो आपके पास कितना होता है डी एट एस टू, और अगर प्लस टू की अगर बात करूँ ना तो ये कितना होगा डी एट, लेकिन यहाँ पे ध्यान दे डी एट डी नाइन एंड डी टेन के अंदर, ठीक है ना, अगर कोऑर्डिनेट नंबर छः हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब फर्क नहीं पड़ता है, तो फर्क नहीं पड़ेगा तो डी एट को अगर आप भरोगे ना तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसका मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, और कॉपर प्लस टू है ये भी क्या है डी नाइन है, और कोऑर्डिनेट नंबर छः में फर्क नहीं पड़ेगा तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसके अंदर तो पैरामैग्नेटिक होगा, और कोबाल्ट प्लस थ्री यहाँ पे ऑक्सीलेट को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसिडर करना है तो पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग होगी तो जो छः इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाएंगे, तो पेयर अप हो जाएंगे तो मतलब इनकी ये डायमैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो आपको नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक पूछे एक दो तीन और चार और पाँच, तो इसका आंसर कितना है बेटा फाइव आ जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते नाइन्थ प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए नाइन्थ प्रॉब्लम क्या बताना है, हाउ मैनी ओर्स आर सल्फाइड हो बताना है। देखो जिनसाइड जो होता है जेड एन ओ, ठीक है ना, तो ये तो नहीं होगी, ये तो क्या होगी ऑक्साइड हो, चालकोसाइट चालकोसाइट एपी सी यू एफ ई एस टू होता है तो ये सल्फाइड ओर हो जाएगी। अर्जेंटाइट क्या होती है ए जी टू एस, ये भी सल्फाइड ओर होगी। डोलोमाइट एम जी सी ओ थ्री डॉट सी एस सी ओ थ्री कार्बोनेट ओर, ये नहीं होगी। जिप्सम जो होता है सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू, ये भी नहीं होगी, ये सल्फाइड ओर है। सिनेमार जो होता है एच जी एस होता है, ये सल्फाइड ओर है। रूटाइल जो होता है टी आई ओ टू होता है भाई, ये ऑक्साइड ओर हो जाएगी। स्पेरेलाइट जेड एन एस होता है, ठीक है ना, ये सल्फाइड ओर हो जाएगी। तो आपको नंबर ऑफ सल्फाइड ओर कितनी आएगी एक दो तीन और चार, तो इसका आंसर कितना है बड़ा चार आ जाएगा, ठीक है। चलो एक दो तीन एंड चार, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते टेंथ वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपको, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू बताना है। और तो हाइड्रोजन मोर एनर्जेटिक पैरा हाइड्रोजन, थ्योरेटिकल बात है, बात सही है, ठीक है ना। एच एच बॉन्ड एनर्जी लोअर, देखो बॉन्ड लेंथ की अगर बात करूँ ना तो बॉन्ड लेंथ हल्की फुल्की एच एच की ज्यादा होती है, क्योंकि एच एच लाइट होने के कारण वाइब्रेशन ज्यादा होता है, और वाइब्रेशन ज्यादा हो तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ की ज्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो डी डी की ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एच एच बॉन्ड एंथैल्पी लोअर देन डी डी, बात सही है, ठीक है ना। सी वाला परमानेंट हाइड्रेट ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय क्लास मेथड, ध्यान रखिए क्लास प्रोसेस जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने में काम आता है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या कह रहा है, प्योर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सही बात है, इवन बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराऊ तो प्योर हाइड्रोजन ऑब्टेन हो जाए, तो फोर्थ थर्ड वाली डी वाली बात सही है। तो नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कितने आएंगे आपके पास, थर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।